हेलो गाइस, दिस इज अबाज फ्रॉम टेक एरियल सेलेक्ट गाइस। बात करने वाला हूँ मैं आज यहाँ पे बोट एयरफोन के रिप्लेसमेंट के लिए। आपका चाहे कितना भी दिन हो गया हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब 1 साल तक का उसका वारंटी, मतलब कि एक्सचेंजेबल रहता है, रिप्लेसमेंट रहता है उसका चांसेस का। आप अगर फ्लिपकार्ट से परचेज़ करते हो तब भी, चाहे पेटीएम से परचेज़ करते हो तब भी, चाहे अमेजोन से परचेज़ करते हो तब भी, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक मैक्सिमम डेट देता है 10 दिन का या 12 दिन का या 15 दिन का। लेकिन उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, बोट के वेबसाइट पे, जो आपका अच्छा ब्रांड है, मतलब कि ले लो बोया का या फिर अपना बोट का, चाहे वो माइक्रोफोन हो या आपका एयरफोन हो या फिर हेडफोन हो, तो उस चीज़ों में अगर आप लेना चाहते हो, कोई भी अगर आपका डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन, और एक नेचुरल तरीके से, मतलब कि आपका कोई बाहर से डिफेक्टिव ना हो, डैमेज ना हो पाए, अंदर से कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पाती है, आपका बेस नहीं सही है, और आपका मतलब कुछ भी प्रॉब्लम इंटरनल होती है, अंदर का कोई भी सामान खरीद, मतलब कि जैसे मेरा ये फ़ोन था, वहाँ पे वन साइड वर्क करता था तो लेफ्ट साइड काम नहीं करता था। अगर मैं राइट साइड का, मतलब दोनों तरीके से डैमेज ही था, अंदर से आवाज़ बिल्कुल आ नहीं रही थी। वो भी प्रॉब्लम आया 8 महीने के बाद। होता क्या है कि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनको कॉन्फिडेंटली पता होता है कि हम ब्रांड की बातें, ब्रांड की चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर रेयर में कभी आ भी गया तो एक्सचेंज तो कर ही लेते हैं। आप उनके वेबसाइट पे जाके क्लेम करोगे, उसका रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा स्नैपडील के बारे में, वो तो उसका टाइमिंग रहता तब भी वहाँ पे आदमी फंस जाता है, तो उसकी तो बिल्कुल बात ही नहीं करने वाला हूँ मैं। वही फिर भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि उस चीज़ से भाई बिल्कुल ही दूर रहना, जो चीज़ आपके काम नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम करता है। मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे उस पर ही आता है, ठीक है। तो बोट का मेरा कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें कुछ था जो मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आप क्लेम जब करोगे, आप उसके वेबसाइट पे जाना। उसके वेबसाइट जाने के बाद आपको तुरंत वहाँ पे, ध्यान से सुनना ये चीज़ें, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आप उसके वेबसाइट पे जाओगे तो अपना इनवॉइस नंबर रेडी रखना। इनवॉइस को आपको अटैच करना पड़ेगा, आपका मोबाइल किस तरीके, किस दिन को, आपको सारी मिल जाएगी। आप जब जाओगे अपने ऑर्डर पे देखोगे ना, कोई भी एप्लीकेशन चाहे आप परचेज किए हो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या पेटीएम से या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी डेट, किस डेट को आपने परचेज किया। इनवॉइस बिल आपके क्या डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से तुम जाके अटैच कर सकते हो। फिर आपको इस उधर से, मतलब जो ब्रांड होगा या बोट वाले, आपको एक टिकट नंबर देंगे, उसको संभाल के रखना। एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, वो संभाल के रखना। एक उसके बाद लिंक देंगे, वो संभाल के रखना, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके ही कोरियर पार्टनर आपके एड्रेस पे आएंगे, जो आप प्रोवाइड किए रहे होंगे दूसरा। उसके बाद वो आपका एयरफोन लेकर जाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद वो उधर से फिर आपका, चाहे वो रिपेयर करके दें, चाहे वो बदल करके दें, चाहे जैसे वो दें, किसी भी सूरत में आपको सही करके वो आपको आपके एड्रेस पे फिर ला के दे देंगे। आपको ट्रैक करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट मैंने दे रखा है, आप ट्रैकिंग, ये मेरा अभी हाल पहुँच गया है मुंबई में, तो मेरे एड्रेस पे कल तक शायद आ जाए। आज का वीकेंड था, ऑफ था, उन लोगों का भी होगा, तो वहाँ तक आपको मिल, मतलब मेरा कल तक आ जाएगा। जब आएगा, कल परसों, चाहे जब, मैं आपको वहाँ दिखा दूँगा आपको कि मेरा नया आ गया है। मतलब कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, सब ये होता है ब्रांडेड चीज़ों का, ये होता है जो ब्रांड वाले होते हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि होता है कि अब मैं अगर दूसरों की बात करूं तो जानते ही हैं कि क्यों ना, अगर परचेज करें, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी जगह कर रहे हो, ताकि उसका आपको बेनिफिट बार बार मिलता रहे, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती हो तो आपको उसके हेल्प मिल सके आराम से। तो यही सारी चीज़ें थी, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चल रही है स्क्रीन्स कैसे, किस तरीके से। तो बस वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लास्ट वीडियो तक, एंड तक देख लिए हो, मेरे साथ अभी कांटेक्ट में हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूं एक हेल्प मदद से। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आप डायरेक्ट वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन या पे कोई भी हो, अगर वहाँ के जरिए अगर आप अदर्स आउटसोर्स में कोई क्लेम कर रहे हैं, अदर कंपनी पर क्लेम कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर आती है, हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ किसी तरीके से। तो अभी के लिए थैंक यू।